नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन से थक चुके हैं और जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे थे, वह चीज़ आपको कैसे मिलने वाली है, दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल आप दरवाज़ा बंद करके एकदम अकेले देखना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होने वाली है। दोस्तों, बहुत बड़े गलत इंसान से आपका पाला पड़ने वाला है, इसलिए कुछ खास सावधानियां जो हम बता रहे हैं वे अगले 3 दिनों के भीतर आपको अच्छे से ध्यान से इस चीज़ को समझना होगा और आपके द्वारा की गई गलतियों में कुछ खास सुधार करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बड़े ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे आपके मित्र होते हैं जो आपसे दुराचारी व्यवहार करते हैं और आपके सामने ऐसा दिखाते हैं कि वे आपके साथ बड़े ही अच्छे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही खास लोगों से बचने का तरीका। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले। और जो भी माता रानी के सच्चे भक्त उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों, आपको इस बात का एहसास जल्दी हो जाएगा कि केवल धन खुशियों की चाबी नहीं है। कार्य में आपकी योजनाओं के चर्चे होंगे और आप सभी क्षेत्र में प्रबलता दिखाएंगे। धैर्य के स्थल को उचित बनाए रखें ताकि दोस्तों लोग यदि आपकी मदद करने आए तो आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं। अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखने से दोस्तों आप इस चीज को कुछ अस्त व्यस्त कर सकते हैं। दिनचर्या में भी कुछ व्यवस्था बनी रहेगी। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। घर संबंधी कार्यों में दोस्तों कुछ समय व्यतीत होगा। आलस और लापरवाही की वजह से आप अपने कार्य को टालने की कोशिश ना करें। खुद पर भरोसा रखें, दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, इन्हीं चीजों से आपको आगे चल के पछताना पड़ सकता है। बिजनेस और व्यापार में दोस्तों आप लोग अपनी सक्षम से ज्यादा कुछ अधिक लाभ कमा पाएंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में बदलाव संबंधी मौके मिलेंगे तो उसे तुरंत ले लेना चाहिए। ग्रह स्थिति जीवन व्यवस्था और खुशनुमा रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बेहद ही जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाए तो कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। अपने खारे पान को थोड़ा सा संतुलित बनाकर रखने की आवश्यकता है। काम की शुरुआत सकारात्मक तरीके से हो सकती है। दिन की शुरुआत में दोस्तों प्रगति हासिल कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण कामों को दोपहर से पहले ही आप लोग पूरा करने की कोशिश करें। दस्तावेज संबंधित अटके मामलों पर आप लोग किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें तो ये आप लोगों के लिए काफी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करेगा। मेहनत के अनुसार फल प्राप्ति मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनमें अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ धैर्य बन सकता है, इसलिए दोस्तों आप लोग अपने कार्य के प्रति ज्यादा सजग रहे, ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। दोस्तों, हम बस यही चाहते हैं कि आपकी सभी चिंताएं दूर हों। तो दोस्तों, आप हमारे संग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मन कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है कि एक बार और कोशिश करो। अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखें, इससे आप अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे। कहीं पूंजी निवेश करने की योजनाएं बना रहे हैं तो दोस्तों तुरंत अमल कर लीजिए। घर संबंधी कार्यों में कुछ समय व्यतीत होगा। आलस और लापरवाही की वजह से आप अपने कार्य पर कुछ ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आपके काम कुछ लटक सकते हैं। आप किसी काम की पूरी जानकारी मिले बिना उसमें हाथ ना डालें। जल्दबाजी से आपको कोई काम बिगड़ सकता है। आपको अपने मन में असकारात्मक विचारों को रखना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें। आप अपने बीते समय में बहुत पैसा खर्च किया है जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। आज आपको पैसों की जरूरत होने लगेगी तो आपको नहीं मिल पाएगा।
शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ में गुजरेगा। आपका प्रिय आपको खुश करने के लिए कुछ खास करेगा। यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपका आकर्षक और सुमुख व्यक्तित्व सभी के दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। प्यार और परिवार की बात की जाए तो दोस्तों, पिता या फिर पिता जैसा कोई आपका मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। अपने प्रिय के लिए आप अपने मन मुताबिक जो प्यार भरा है वे आप व्यक्त करेंगे। दोस्तों, ये लम्हे आपके लिए अनुमन है, इन्हें संभाल कर रखें। व्यापार में हानि या फिर चिंताओं को लेकर आप लोग परेशान रह सकते हैं। आप सबके आकर्षण का केंद्र बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सच्ची खुशियां आपके प्यार तक सीमित है। अधिकतर समय अपने परिवार प्यार के साथ बिताना चाहेंगे। आपको अपने साथी के लिए मन में जो प्यार दबाया हुआ है वे व्यक्त करेंगे, इसीलिए ये लम्हे आपके लिए अनमोल है, इन्हें जरा संभाल कर रखिए। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, आपको अपने अधिक कार्य मालिक से प्रशंसा और पुरस्कार पाने के लिए आज का समय काफी अच्छा है। वह अच्छा भाग्य आपके साथ है, जिसके कारण आप खुश और संतुष्ट हैं। इस समय करियर में परिवर्तन के बारे में ना सोचें, नए रास्तों को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें और लेन देन से बचें। अपने कौशल के कारण आपके व्यवसायिक रूप से बड़ी मांग है। जब बात पेशेवर सौदे और ग्राहकों व प्रबंधन की आती है तो पूरी कंपनी केवल आप पर विश्वास करती है। अधिक आमदनी के लिए आज आप ओवरटाइम या फिर फ्रीलैंसिंग का भी सोच सकते हैं। आज के दिन का फायदा उठाएं, क्योंकि अवसर और भाग्य दोनों आपके पक्ष में है। सेहत की बात की जाए तो आज का ये उपाय, हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा वाप से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। कार्यस्थल में आप लोगों का मान सम्मान में काफी वृद्धि होने वाली है। सकारात्मक लोगों से मेल मुलाव के अवसर मिलेंगे। आपकी विचार शैली में दोस्तों कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन आएंगे। आप अपने कुछ बेहतरीन सीखने का मौका करेंगे व दृढ़ निश्चय भी लेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति के दूर व्यवस्था से आपकी आलोचना होने से मन में आहत हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय शिव शंकर अवश्य लिखें।